हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू एनटीयू यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज। यूजीसी नेट पेपर वन सीरीज में हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट टू यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो 10 लेक्चर्स हैं उसमें यूनिट वन के पीवाईक्यूज जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए जो जून में आपका एग्ज़ाम होगा यूजीसी नेट का, उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं, इसीलिए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखिए, शब्दों को पकड़ना सीखिए। तो क्वेश्चन में क्या है, अगर एग्जाम में आप शब्दों को पकड़ गए तो क्या है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच आर रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड अ। एक तरह से कोई फ्रेमवर्क बनाना, सपोज कीजिए आप कोई घर बना रहे, घर बनाना चाहते हो। घर बनाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, घर का जगह देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसका क्या है, मैप बनाना पड़ेगा कि कौन सा रूम कहाँ आना है, वॉशरूम कहाँ आना है, ओपन एरिया कहाँ रहना है। तो इस तरह से आप क्या है, एक फ्रेमवर्क बनाते हो या ब्लूप्रिंट बनाते हो। सेम ऐसे ही रिसर्च में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो उसमें क्या है, फिर एक फ्रेमवर्क बनाओगे, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिनोप्सिस ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, रिसर्च हाइपोथेसिस या रिसर्च पैराडाइम। तो यहाँ पर सीधा सिंपल आंसर है ऑप्शन बी, रिसर्च डिजाइन। आप क्या है, रिसर्च का डिजाइन बनाओगे, कैसे आपको रिसर्च करनी है, यही क्या है, एक फ्रेमवर्क है। सिनोप्सिस ये क्या होते हैं, एक तरह से जैसे आप रिसर्च करना चाहते हो, थीसिस सपोज कीजिए आपकी 300 पेजेस में है, उससे पहले आपको रिसर्च का प्रोसीजर क्या है ये सब बताना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का। तो 20 से 30 पेपर में आप बना देते हो, इसी को सिनोप्सिस ऑफ रिसर्च कहते हैं। और जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है रिसर्च को करने का, उसको रिसर्च डिजाइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल इज स्पेसिफिकली मीन्ट फॉर पब्लिशिंग रिसर्च वर्क। देखिए यहाँ पर रिसर्च वर्क को पब्लिश करने के लिए इनमें से कौन से पीरियोडिकल की जरूरत होती है, मैगजीन, मोनोग्राफ, जर्नल या बुक्स। तो जब आप कोई भी रिसर्च पेपर करोगे या अपनी रिसर्च कंप्लीट करोगे, थीसिस जो आपकी हो जाएगी, तो वो कहाँ पर पब्लिश होगी, कोई भी रिसर्च पेपर आपको पब्लिश कराना है तो वो मैगजीन में तो होगा नहीं, ना ही मोनोग्राफ में, ना ही बुक्स में, तो वो कहाँ पब्लिश होगा, जर्नल्स में, जो रेप्यूटेड जर्नल्स होते हैं वहाँ पर क्या है, पब्लिश होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2006 में। तो रिसर्च अगर कोई भी पर्सन कंडक्ट करता है तो वो कैसा होना चाहिए, हैज स्टडीड रिसर्च मेथडोलॉजी, उसने रिसर्च मेथडोलॉजीज पढ़ी हो, होल्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पजेस थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी, या फिर इज अ हार्ड वर्कर। देखिए ऑप्शन कोई सा गलत नहीं है, चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इनमें से मोस्ट सुटेबल कौन सा है, ऑप्शन सी, जिसके पास क्या है, सोचने की क्षमता हो और क्या है, रीजनिंग एबिलिटी रखता हो, तो वो क्या कर सकता है, एक अच्छी रिसर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज। देखिए यहां पर क्या है, बिल्डिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन है और आप क्या है, उससे एक इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हो, या सपोज कीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, आप उससे कोई एक एलिमेंट बनाना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एन एनालिसिस, अ सिंथेसिस, अ सिनोप्सिस या नन ऑफ द अबव। तो जब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ाया था, वहाँ पर हमने दो टर्म बताए थे, सिंथेसिस और एनालिसिस, दोनों में डिफरेंस बताया था कि सिंथेसिस क्या होता है
और एनालिसिस क्या होता है। देखिए एनालिसिस में क्या होता है, कोई एक पेड़ है फिर उसके सब डिवाइडेड कर दिए, ये पत्ती है, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी लीव्स हैं, ये रूट है, ये मतलब डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस, जो जनरल होल से पार्ट की तरफ जाए, होल से पार्ट्स की तरफ, और जिसमें पार्ट से होल की तरफ जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज बाय, ये क्वेश्चन भी जून 2006 का है। तो अगर किसी भी रिसर्च की डेप्थ को आपको जज करना हो तो कैसे जज करोगे, उसका टाइटल देख के रिसर्च का, कि रिसर्च का टाइटल क्या है, या रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स देखकर, या रिसर्च में कितना एक्सपेंडिचर लगा है, खर्चा हुआ है, या फिर रिसर्च कितने टाइम पीरियड में हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च, 3 साल में हुई है, 4 साल में, 5 साल में, या 6 साल में, तो किस चीज़ से आप जज करोगे रिसर्च की डेप्थ को। देखिए टाइटल अच्छा होना चाहिए, अगर टाइटल आपका कैसा भी है तो उससे क्या है, जज तो नहीं कर पाओगे कि रिसर्च अच्छी हुई है या नहीं हुई है, तो ना ही खर्चे से ना ही टाइम पीरियड से, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़कर कि रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनको पढ़कर आप बता सकते हो कि रिसर्च कैसी हुई होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शोध के उद्देश्य हैं उन्हें देखकर आप बता सकते हो कि रिसर्च की डेप्थ कैसी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मेन अप्रोचेज ऑफ अ रिसर्च आर, यहाँ पर रिसर्च की दो मेन अप्रोचेज कौन है, डाटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, डेटा का कलेक्शन करना और डेटा को एनालाइज करना, या सर्वे, या सर्वे और क्वेश्चनरी, या सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन, या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच के हैं मेन अप्रोचेज है रिसर्च की, जिसमें हम क्या है, जो न्यूमेरिकल डेटा वगैरह, आपकी रिसर्च कैसी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, अगर किसी के आप करेक्ट गुण दोष इन चीज़ों के बारे में, कोई भी रिसर्च इन चीज़ों के बारे में है, मान लो मेंटल एबिलिटी के बारे में है, मान लो आप कोई रिसर्च करना चाहते हो कि लोगों की साइकोलॉजिकल हेल्थ, मतलब साइकोलॉजिकली लोग क्यों परेशान हैं, तो ये क्या है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी। अगर आपकी कोई रिसर्च है जिसमें डेटा का यूज़ हुआ हो, ठीक है, टेबल आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और मैथमेटिकल टूल्स, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी हो जाएगी, अप्रोच हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव रिसर्च इज, क्वालिटेटिव रिसर्च हम किसको बोलते हैं, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, जिसका कोई पर्पस ना हो, ये तो वेग स्टेटमेंट है, अगर कोई भी रिसर्च है उसका पर्पस तो जरूर होगा। देन प्राइमरली कंसर्न्ड विद इनडेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना, जो इनडेप्थ में जाकर क्या है एक्सप्लोर करे चीज़ों को, या डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जहाँ पर किसकी बात हो, जो न्यूमेरिकल डेटा की, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, या नन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल डेटा की अगर बात हो रही है तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, वो कौन सी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च। और क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, जो कंसर्न करती है इनडेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना, कोई भी फिनोमिना है उसके अंदर तक जाकर रिसर्च की जाए, सर्च की जाए, तो वो हो जाएगी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्पेसिफिकली रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कॉजेज फ्रॉम द डेटा गैदर्ड फॉर द पर्पस, यहाँ पर फैक्ट्स की बातें की गई हैं, तो सिंपल है कौन सी रिसर्च हो जाएगी, अभी हमने देखा था क्वालिटेटिव कौन सी रिसर्च होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें फैक्ट्स की बातें आए, न्यूमेरिकल डेटा की बात आए, तो ये हमारी हो जाएगी क्वांटिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, साइकोलॉजी और एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को क्या बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल
रिसर्च इज ऑल्सो टर्म्ड एज, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं एसआर रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च और पोस्ट फैक्टो रिसर्च। देखिए जब हमने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ाया था, काफ़ी डिटेल में कराया था, तो वहाँ पर बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक नाम और होता है और उसको क्या बोल देते हैं, एसआर रिसर्च बोल देते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिसर्च भी इसको बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड, यहाँ पर बोला गया है आप कोई न्यू फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन क्या पढ़कर, स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट की स्टडीज को पढ़कर, तो कौन सी रिसर्च हो जाएगी, फिलोसफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, माइथोलॉजिकल रिसर्च या कंटेंट एनालिसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ये इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर हम कल बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।